आपको याद है जेपी एनआईसी, एक जांच हुई, दूसरी जांच हुई, एक लोग गए, दूसरे लोग गए, और बाद में परिणाम क्या निकला? और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, कोई किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं बचा होगा जिसमें खोदा ना गया हो। खोदा गया, जांच हुई, और जांच के बाद पूरी तरीके से निष्पक्ष, किसी तरह की कोई बात एक्सप्रेसवे में नहीं निकली। और मुझे खुशी इस बात की, देश का और दुनिया का सबसे भारी हवाई जहाज हरकुलिस भी उस पर उतर गया। उससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि सबसे ज्यादा वजन वाला अगर हवाई जहाज उस पर उतर सकता है और देश के बेहतरीन लड़ाकू विमान उतर सके, उससे बेहतर क्या हो सकता है? अब तो सरकार कमाई कर रही है उस सड़क से। जांच पे तो कहा कि जांच हो रही है, लेकिन सरकार अब कमाई कर रही है उसके बारे में नहीं बोलेगी। कमाई कर रही है लगातार सरकार उससे। इसी तरह हम कहना चाहते हैं, जब पुरानी पुलिस की भर्ती चल रही थी, यही बीजेपी के लोगों की भाषा क्या थी, ये यहां तक कहने के लिए भी नहीं चूकते थे कि सब इटावा की भर्ती हो गई। इसमें बीजेपी के तमाम लोगों के स्टेटमेंट होंगे रिकॉर्डेड, जिसमें ये कहते थे बीजेपी के लोग कि सब इटावा की भर्ती हो गई, सब एक वर्ग के लोग हो गए। लेकिन उस समय जब परिणाम आया था, मैंने सदन में पूछा था, सरकार समाजवादी पार्टी की थी, हमने कहा बताओ आज तो परिणाम आ गया है, आप क्या कहना चाहते हो ये बता दो आप। और उस समय बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर के सबसे ज्यादा नौजवानों को पुलिस में भर्ती होने का मौका मिला था, और कई गांव ऐसे हैं जहां पर 200-200 लड़के एक साथ भर्ती पा गए थे। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि ये सरकार केवल बदनाम करना चाहती है, ये सरकार लोगों को परेशान करना चाहती है। और इसी के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान साहब को ये जानबूझ करके परेशान करना चाहती है सरकार। नौकरियां तो निकाली नहीं, ना दे रहे हैं नौकरी रोजगार, जिन लोगों ने दी भी हैं उन पर भी प्रश्न लगा रहे हैं। जल निगम की नौकरी, सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, वहां से भी कुछ राहत मिली कुछ दूसरी चीजों में, लेकिन सरकार जानबूझ करके बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बताओ एक्सप्रेसवे में बदनाम करना चाहती थी सरकार कि नहीं करना चाहती थी? जेपीएनआईसी में करना चाहती थी सरकार कि नहीं करना चाहती थी? ये नदी का जो चैनलाइज हुई है, न जाने कितनी सरकारें आई और कह के चली गईं कि हम गोमती को साफ कर देंगे, हम पेरिस और लंदन जैसी गोमती को बना देंगे। किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई काम करने की। और मुझे ताज्जुब तब होता है कि एक प्रोफेसर जो बीएचयू के थे, कभी कभार मुझसे मिलते थे, पर्यावरण को लेकर के चर्चा होती थी, उन्होंने ही एक सुझाव दिया था वर्णा को लेकर के, कि वर्णा नदी तब साफ दिखाई देगी जब इसमें कोई भी नाला वर्णा नदी में ना गिरे। वो बनारस में हमने काम शुरू कर दिया था, और जब गोमती की जांच हुई तो वही प्रोफेसर उस कमेटी में भी थे। एक कमेटी बनी, फिर मंत्री समूह बना, फिर न जाने क्या क्या बना, सीबीआई को भेजा गया, वापस हो गया, फिर सीबीआई को भेज दिया, फिर ईडी को भेज दिया। ये सरकार कोई काम नहीं करना चाहती है, केवल धोखा देना चाहती है, झूठ बोलना चाहती है। कम से कम मुख्यमंत्री जी गए थे अभी गाजियाबाद, उद्घाटन का उद्घाटन कराए। हम तो उनसे कहते हैं कि तमाम प्रोजेक्ट हैं, दोबारा कर लो उद्घाटन। अपनी सरकार का कोई काम किया हो जिसको पूरा कर लिया हो वो तो बता दो। और कह रहे हैं कि देश की सबसे अच्छी बड़ी एलिवेटेड रोड है, अखबारों में भी छपा,
देश की सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड है। और स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि पहले परिवारवाद था, जातिवाद थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस एलिवेटेड को उद्घाटन करके आए हैं उसमें यादव लेन कौन सी है, ये मुझे बता दें आप। देश का सबसे बड़ा एलिवेटेड और शर्म नहीं आ रही, जातिवाद और परिवारवाद का आरोप लगाना एलिवेटेड रोड पर। और मैंने सदन में भी कहा और कई मौकों पर आज भी मैं कहता हूं कि हम स्वीकार करते हैं कि परिवारवाद की वजह से हो सकता खड़े हों, लेकिन जनता के सामने न जाने कितनी परीक्षा दी हम लोगों ने। हम तो आपसे पूछना चाहते हैं, आप भी तो बड़े उस पद पर पहुंच गए, क्या बिना परिवारवाद के आप उस पद पर पहुंच जाते? आप नहीं परिवारवाद से जुड़े हैं। एलिवेटेड रोड उद्घाटन कर दी छपारी, देश की सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड है, लेकिन देखो दिल कितना छोटा है, ये भी नहीं कह पाए कि ये सब काम पुरानी सरकार में हुआ था। कहते हैं हमने पूरा किया है। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि रेल विभाग ने क्यों रोक रखी थी एनओसी, दिल्ली के रेल विभाग ने क्यों रोक रखी थी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, एनओसी क्यों नहीं दिया था? या जो पर्यावरण को देखती है संबंधित संस्था है एनजीटी ने क्यों परमिशन इतनी देर लगा दी, रोक के रखी? लखनऊ की भी मेट्रो इसलिए नहीं शुरू हो पा रही थी क्योंकि रेलवे को सिक्योरिटी और सेफ्टी का एनओसी देना था, रेलवे ने डिले किया जानबूझ करके। ये दावा ठोकते हैं, ये सरकार के लोग दावा ठोकते हैं कि हम डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, डिफेंस कॉरिडोर तो बहुत दूर की बात है, यही पिपरा घाट पर एक पुल का खंभा लगना, एक पुल लगना है, वो पन्ना है, केवल एक और लगना है जिससे पुल पूरा बन जाएगा। ये कब पूरा होगा? कुकरेल वाले नाले की बाईपास कब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में काम शुरू हुआ था, लेकिन डिफेंस ने परमिशन नहीं दी। यही लखनऊ को एयरपोर्ट जाने वाली रोड, 5 साल हम कोशिश करते रहे कि हमें एनओसी मिल जाए, डिफेंस हमें परमिशन दे दे जिससे हम रोड चौड़ी कर दें, नहीं दी डिफेंस ने परमिशन। इधर परमिशन चाहते थे सुल्तानपुर वाली, वो भी परमिशन नहीं दी। ये तो एक राजधानी लखनऊ का मामला है, अगर पूरे प्रदेश का देख लोगे तो न जाने कितने जगह पर छोटे छोटे मामले इसलिए रुके पड़े होंगे क्योंकि समय पर एनओसी नहीं मिली है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम किसी के काम में रोड़ा नहीं अटकाते हैं। लखनऊ की मेट्रो में रोड़ा अटकाया, ये एलिवेटेड बनी उसमें रोड़ा अटकाया, ये जो ब्रिज बन रहा है उसमें रोड़ा अटकाया, जो बढ़िया पार्किंग बन जाती ताजमहल के पास उसमें रोड़ा अटका दिया। और फिर हमने तो लिख के दिया था कि ग्वालियर से लेकर के लिपू लेक तक 4 लेन सड़क बन जाए, क्योंकि तमाम डिफेंस के इलाके वहां पर हैं। ग्वालियर का कैंटोनमेंट है, बरेली कैंटोनमेंट है, उससे पहले फतेहगढ़ वाला है कैंटोनमेंट, रानीखेत से लेकर के लिपू लेक चीन के सीमा तक पहुंचती है वो रोड, हमने तो 4 लेन का डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। बताओ बबीना में कुछ काम दिया हो तो बता दो हमें, अगर कहीं भी डिफेंस में नया काम किया हो तो बता दो। और हमने तो चिट्ठी लिखी थी कि एक कम से कम कैंटोनमेंट बन जाए, ये हमारा जो एक्सप्रेस वे इसके किनारे, कुछ दिनों पहले चिट्ठी आई हमारे पास, वो चिट्ठी की कॉपी हम आपको भी दे देंगे कि मामले की जांच करवाई गई है, वर्तमान में सेना द्वारा लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में किनारे कोई भी नई सैन्य छावनी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। एक तक तो डिफेंस कॉरिडोर, इसलिए ये लगातार झूठ बोलने का काम सरकार कर रही है। दूसरे विपक्ष के लोग अपमानित हों, उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाए, एजेंसियां पीछे लगा दी जाएं, ये कोशिश है इनकी। इसलिए जो बोगे वो आपको काटना भी आपको ही पड़ेगा, ये भी याद रखना। इसलिए नौकरी दो, रोजगार दो, और
प्रदेश के लिए, तरक्की के लिए कुछ काम करके दिखाओ। ये फौज बनती चली जा रही है बेरोजगारों की लंबी, किस पे लाठी नहीं मारी है आपने? बीटीसी वाले अपना हक मांगने आए, उन पे लाठी मार दी। बीपीएड वाले आए, उनसे झूठ बोल दिया, आश्वासन दे दिया, उन्हें लाठी मार दी। शिक्षा मित्र तो हताश हो गए, निराश हो गए। वो कहते हमें कुछ भी करना पड़े हम बैठे रहेंगे, न्याय लेकर के जाएंगे। शिक्षा मित्रों के जीवन के साथ क्या खिलवाड़ की इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, बताओ। और जिनकी जान भी चली गई, कोई मदद नहीं की। और जितनी भी नौकरियां थीं, मिलनी थीं, उसके लिए भी रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। कभी कहते लाखों नौकरियां हैं, कभी कहते हजारों नौकरियां हैं। बिजली विभाग में कुछ नौकरी निकाली थी, कुछ पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया कि परीक्षा रद्द करनी पड़ी। कहने को तो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी शराब की दुकानों के आवंटन था वो बंद हो गया, चला ही नहीं। अब पता नहीं कैसे कर दी होंगी, क्या कर दिया होगा। इससे बीजेपी से सावधान जनता को रहना पड़ेगा। अभी तो जनता ने दो ही जगह सबक सिखाया है, दो जगह सबक सिखाया है। अभी जब मैदान में जाओगे, जनता तैयार है आपके खिलाफ, आप जो करना चाहो करो, लेकिन जनता भी तैयार है अपना हिसाब किताब लेने के लिए। और मैं हर बार कहता हूं कि जो जनता को दुख देता है, परेशान करता है, समय आने पर जनता उनसे हिसाब किताब भी लेने का काम करती है।